कभी बताने की कोशिश नहीं की। अभी एक बंधु बोल रहे थे, मुझे नाम नहीं पता, कि जितना जिम्मेदार नोटबंदी के मोदी जी हैं, सरकार जिम्मेदार है, बैंकर्स ने गड़बड़ किया उसकी भी जिम्मेदार सरकार है। मैं जवाब देना चाहता हूं, बहुत देर से अंदर से आत्मा उभर रही थी। बहुत सीधा सा सवाल है, बहुत आंसर सीधा है। अरे देश का राज्य, एक देश के सम्राट ने ये क्यों नहीं, आप कहते कि पहली बार 70 सालों में इस देश में ये एहसास हुआ कि कोई राजा है जो हम पे राज कर रहा है। सब कुछ नाश्ता लंच डिनर चल रहा था 70 साल तक। सामान्य सब कुछ रोज चल रहा था, पूरी में रिफाइंड और सरसों के तेल लग रहे थे, अभी घी लगाने का टाइम आया था तो 10 मिनट गए। नहीं, मैं बहुत बढ़िया आदमी हूं, मैं हिंदुस्तान की कसम खा रहा हूं। मजा आ रहा है ना बहुत देर से। एक समस्या, ये बैंकर्स गवर्नमेंट को आपने जिम्मेदारी दे दी कि बैंकर्स का जो काम हुआ है गवर्नमेंट ने कराया है। मैं ये जानना चाह रहा हूं सारे व्यापारियों से, किसी का भाई बैंक मैनेजर होगा, किसी का चीटर कैशियर होगा, किसी की मां लगी होगी बैंक में, उनको नोट बदलते समय आपने क्यों नहीं जिम्मेदारी दी कि ये देश का काम है, आप 20% और 30% में नोट मत बदलना। हमारे भी रिश्तेदार होंगे बैंकों में, ये पब्लिक की जिम्मेदारी उतनी ही बनती है जितनी देश की बनती है। क्या हमने किसी बैंकर से रिश्तेदार को कहा कि नोट मत बदलो? हमें सबको पता था किस बैंक में कौन से नोट बदले जा रहे हैं। मोदी नगर के पंजाब नेशनल बैंक में आप खड़ा होकर सीने ठोक करके बोल रहा हूं, मैंने जाके बैंक मैनेजर को कहा कि 32% का क्या मामला है, हापुड़ के बीच व्यापारी को तुमने पैसे दिए। देश का पहला आदमी हूं, मैंने पीएमओ में फोन किया 9212214 87 से, ऐसी ऐसी मैंने 40 जानकारियां दी जिसमें 32 पे तुरंत कार्रवाई हुई। और आपको मैं आज जानकारी दे दूं कि जब एक ब्लाइंड आदमी, मेरा नंबर उन 15,000 व्यापारों में आ गया है जिनके खाते में 1,000 रुपया नहीं है। 1,000 रुपये बड़ी रकम नहीं है, ईमानदारी।